डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी पेटीएम की एंटिटी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर चल रहे संकट के बीच केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की ओर से बयान आया है। पेटीएम के खिलाफ हो रही जांच के बीच पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सेंट्रल बैंक की कार्रवाई को लेकर सवाल पूछे जाने पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पेटीएम का नाम लिए बिना ये कहा कि यदि सभी चीजों का अनुपालन किया गया होता तो केंद्रीय बैंक किसी विनियमन वाली इकाई के खिलाफ कार्रवाई क्यों करती। शक्तिकांत दास ने ये कहा कि पेटीएम मामले को लेकर व्यवस्था के बारे में चिंता की कोई बात नहीं है, हम केवल भुगतान बैंक की बात कर रहे हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन ने ये कहा कि लगातार गैर अनुपालन के लिए पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की गई, सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। आरबीआई गवर्नर ने ये कहा कि हमारा जोर हमेशा आरबीआई के नियामकीय दायरे में आने वाली इकाइयों के साथ द्विपक्षीय गतिविधियों पर होता है, हमारा ध्यान इकाई को सही कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने पर होता है, जब बैंक और एनबीएफसी प्रभावी कदम नहीं उठाते हैं हम कारोबार से संबंधित पाबंदियां लगाते हैं। एक जिम्मेदार नियामक होने के नाते व्यवस्था के स्तर पर स्थिरता या जमाकर्ताओं या ग्राहकों के हितों के संरक्षण को ध्यान में रखकर हम कदम उठाते हैं। गवर्नर ने बताया कि आरबीआई पेटीएम को लेकर की गई कार्रवाई के बारे में लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए अगले हफ्ते FAQs जारी करेगा।